इस नए बस स्टैंड की हालत इतनी गंभीर क्यों हो गई है? जैसे हम बुकिंग ऑफिस आते हैं, देख सकते हैं कि मावेशी जो है वो कैसे आराम से बैठा हुआ है, सो रहा है, जैसे मानो ये कांजी हाउस हो, ये गौठान हो। बेहतर तरीके से इस बस स्टैंड 5.5 करोड़ की लागत से बनाया था। लोग देखने आते थे, दूर दूर से हाईटेक बस की तारीफ होता था, और आज इसको देखने का ऐसा नहीं लगता। 5 साल पहले जो बस स्टैंड बना और 5 साल के बाद ये बस स्टैंड जो खंडहर की स्थिति में है, इतनी गंदगी कर दी बस स्टॉप में कि बेचारे लोग, जो आने वाली लड़कियां हैं, लड़के पढ़ने वाले बेटियां हैं, वो भी रुक नहीं सकते। इतनी गंदगी एकदम, साफ सफाई के लिए बोलो नगर निगम में तुम कौन होते हो। और आज लगातार पेपर में, अखबारों में, चैनल के माध्यम से इसका आप प्रकाशन कर रहे हैं, फिर भी कोई भी अधिकारी नहीं आना, इससे ऐसा साफ जाहिर होता है कि इसको और ज्यादा खंडहर करना चाहता है। विपक्ष में होने के नाते आपने सफाई का मुद्दा, इस नए बस स्टैंड के सफाई का मुद्दा कभी उठाया है? मैं देखता हूं कि यहां का जो माहौल है, माहौल तो अच्छा है, लेकिन जो बस स्टैंड है वहां की जो दुर्गति देखता हूं तो मुझे घिन आती है। देख रहा है विनोद, राजनांदगांव की नए बस स्टैंड की हालत, जो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये गौठान है, लेकिन आपको बता दूं कि ये राजनांदगांव का नया बस स्टैंड है, जिसे 2018 में 5.5 करोड़ की लागत से बनाया गया था। 2018 में डॉक्टर रमन सिंह ने इसका शुभारंभ किया था, शिलान्यास किया था। आज से साल बाद इसकी हालत जो है वो बद से बदतर हो गई है। राजनांदगांव का नया बस स्टैंड, जब इसे बनाया गया था तो ये वादा किया गया था कि इसमें यात्रियों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, लेकिन आज 6 साल बाद यात्रियों को सुविधा तो छोड़ो, बैठने के लायक जगह भी नहीं है। कुर्सियां टूट चुकी है, जगह जगह गोबर है, मवेशी आते हैं, दिन में मवेशी यहाँ कब्जा जमा लेते हैं, डेरा जमा लेते हैं और यहाँ गंदगी करके चले जाते हैं। यात्री यहाँ बैठ नहीं पाते और रात के समय असामाजिक तत्व यहाँ आते हैं, शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद गाली गलौज मारपीट तक की दुर्घटना होती है, अतिक्रमण की भी शिकायतें यहाँ आती रहती है। तो सोचिए कि स्थिति क्या से क्या हो गई। 2018 से आज 2024 है, 6 साल हो गए हैं, सफाई व्यवस्था एकदम चौपट है। इस तस्वीर को देखने के बाद तमाम अखबारों में 2 दिन पहले ये हेडलाइन छपी थी, ये कहा गया था कि स्थिति जो है वो सुधारी जाए, लेकिन फिर भी ना तो यहाँ के आयुक्त साहब आए इसे देखने के लिए। आपको बता दें कि निगम की इस लापरवाही का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। 5.5 करोड़ की लागत इसका निर्माण किया गया था, पंखे लगाए गए थे, पंखे लाइटें लगाई गई थी, कांच लगाए गए थे। आपको बता दें कि पंखे पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, कहीं भी एक भी पंखा चालू नहीं है और लाइटें भी गायब हो चुकी है। रात में काफ़ी अंधेरा रहता है और कैमरामैन भी इस गंदगी को खूंते हुए काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा है। उसे कैमरा चलाते समय गंदगी का आलम इतना है। अभी तो मावेशी नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद जब जैसे ही शाम होती है यहाँ मावेशी जो है वो आ जाते हैं। आपको और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसकी दुर्दशा कितनी बिगड़ गई है। आसपास के लोग काफ़ी परेशान हैं, चूँकि यहाँ दिग्विजय कॉलेज है जो काफ़ी फेमस है, दूर दूर से जो है स्टूडेंट है वो पढ़ने आते हैं, जो बस के माध्यम से आते हैं, आवागमन करते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनको किसी प्रकार की वेटिंग की भी सुविधा है, उनको मजबूरन कहीं और जाके बैठना पड़ता है। हम आपको राजनांदगांव के नए बस स्टैंड के बुकिंग ऑफिस के अंदर भी लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ भी अंदर भी अव्यवस्था का आलम काफ़ी है। आप देख सकते हैं कि आप बुकिंग ऑफिस के अंदर आते हैं, इतनी सारी गंदगी पसरी हुई है, डिस्पोजल रखाए हुए हैं और शराब की बोतलें भी, ये शराब की बोतलें भी यहाँ रखाई हुई है, कई शराब की बोतलें रखी हुई है, डिस्पोजल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रात होते ही असामाजिक तत्व का ये डेरा बन जाता है, लोग यहाँ आके शराब पीते हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितनी गंदगी पसरी हुई है, यहाँ बिल्कुल भी देख रेख नहीं है। ऐसा लग रहा हो कि 5.5 करोड़ रुपया फोकट में फूंक दिए गए हो। आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नए बस स्टैंड की हालत इतनी गंभीर क्यों हो गई है। जैसे हम बुकिंग ऑफिस आते हैं, देख सकते हैं कि मावेशी जो है वो कैसे आराम से बैठा हुआ है, सो रहा है, जैसे मानो ये कांजी हाउस हो, ये गौठान हो। बिल्कुल देख सकते हैं कि इसे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, उनको लग रहा है कि ये बिल्कुल गौठान ही है, यहाँ कोई मना करने वाला नहीं है, कोई मनाही करने वाला नहीं है। ये बुकिंग ऑफिस है जहाँ से बुकिंग कराते हैं लोग, अपनी गाड़ी रखने के बाद यहाँ लोग आते हैं और पर्ची कटाते थे कहना चाहूँगा, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा हो कि ये मानो एक गौठान बन गया हो। यहाँ पंखे भी लगे हुए थे, पहले अगर बात करें जब ये नया बना था तो यहाँ पंखे भी लगे हुए थे, लेकिन पंखे भी चोरी हो चुके हैं, लाइटें भी चोरी हो चुकी है और यहाँ भी गंदगी काफ़ी पसरी हुई है। 2018 में इसका निर्माण किया गया था, डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ का शिलान्यास किया था, और आज 6 साल बाद जब फिर से बीजेपी की सरकार आ गई है तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जो है वो इसकी हालत सुधारेंगे। राजनांदगांव को संस्कारधानी कहा जाता है, संस्कारों की नगरी कहा जाता है, लेकिन इस अव्यवस्था को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये काफ़ी
खराब दृश्य है, ये शर्मनाक दृश्य है, ये शर्मसार कर देने वाला है। और निगम प्रशासन से भी ये दरख्वास्त है कि यहाँ सफाई जो है वो सफाई का आलम जो है वो बेहतर हो, सफाई काफ़ी तेज़ी से हो, क्योंकि स्वच्छता रैंकिंग में हमेशा राजनांदगांव रैंकिंग हासिल करता है। आपको बता दें कि राजनांदगांव का हमेशा पहला, दूसरा, तीसरा स्थान तो लगा ही रहता है, लेकिन समझ नहीं आता आखिर क्यों मिलता है पहला, दूसरा, तीसरा स्थान। क्या जो स्वच्छता रैंकिंग जो चेक करते हैं वो कभी नया बस स्टैंड आके विजिट करते हैं? अगर नहीं करते तो उनसे भी गुजारिश है कि यहाँ आके विजिट करें, देखें कि इतनी गंदगी यहाँ है। और चूंकि यहाँ दिग्विजय कॉलेज भी है तो लोग जो स्टूडेंट है वो पढ़ने आते हैं काफ़ी दूर दूर से और बस की सहायता से, तो वहाँ उनकी भी ये समस्या रहती है। हमें उन्हीं के माध्यम से पता चला है कि नए बस स्टैंड की हालत काफ़ी ख़राब है, वो यहाँ रुकना पसंद नहीं करते बल्कि सड़क पर कहीं जाके ब्रिज के नीचे बैठ जाते हैं, कॉलेज आ जाते हैं, लेकिन यहाँ वो बस का इंतज़ार नहीं करते हैं। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। अव्यवस्था का है। इसी बीच हमें निगम के सबसे वरिष्ठ पार्षद और भाजपा के दिग्गज नेता शिव वर्मा जी है, जो 5 बार के पार्षद है। भाजपा की सरकार में नया बस स्टैंड का शुभारंभ हुआ था और आज 6 साल बाद इसकी इतनी दुर्गति बन गई है कि लोग यहां रुकना भी पसंद नहीं करते, क्या कारण? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम चैनल के माध्यम से जनता तक ये संदेश देते हैं कि सचमुच हाईटेक बस स्टैंड जो लोग का एक सपना था और इसे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बेहतर तरीके से इस बस स्टैंड 5.5 करोड़ के लागत से बनाया था। लोग देखने आते थे, दूर दूर से हाईटेक बस की तारीफ होता था, और आज इस वो देखने का ऐसा नहीं लगता कि 5 साल पहले जो बस स्टैंड बना और 5 साल के बाद ये बस स्टैंड जो खंडहर की स्थिति में है, देख के सचमुच में तकलीफ तो होता है क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, राजनांदगांव शहर के नागरिक हैं। पर आज इस हाईटेक बस स्टैंड का दुर्दशा करने वाले कोई व्यक्ति हो सकता है? तो इस कांग्रेस के 5 साल की सरकार और उसके महापौर जो शहर के प्रथम नागरिक कहलाता है, वो 5 साल में कभी झांका नहीं, कभी पलट के देखा नहीं। उसके मन में था कि तो भाजपा सरकार ने बनाया है, मैं इसमें क्यों ध्यान दूं? और ध्यान नहीं देने के कारण आज इस बस स्टैंड की हालत, पंखा बिगड़ चुका है, लाइट बंद हो चुका है, कुर्सी टूट चुका है, टाइल से टूट चुका है, और ना जाने कितने दरवाजे भी नुकसान इसमें हुआ हो। यात्रियों को बैठने के लिए सुविधा नहीं है क्योंकि यहाँ तो कांजी हाउस के रूप में गाय दिन भर गोबर दे के तब्दील कर दिए कांजी हाउस के रूप में, तो आखिर यात्री जायज जा कहाँ? और आज जिस प्रकार एक तरफ महापौर की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के कमिश्नर जो जिम्मेदार भी है, उनका भी दायित्व तो बनता है कि समय समय पर आके इसका ध्यान रखे, देख रेख करे। सरकार का वो अंग होता है, पर निगम आयुक्त ने भी इस ओर मुंह मोड़ा है और आज लगातार पेपर में, अखबारों में, चैनल के माध्यम से इसका आप प्रकाशन कर रहे हैं, फिर भी कोई जन कोई भी अधिकारी नहीं आना, इससे ऐसा साफ जाहिर होता है कि इसको और ज्यादा खंडहर करना चाहता है। विपक्ष में होने के नाते आपने सफाई का मुद्दा, इस नए बस स्टैंड के सफाई का मुद्दा कभी उठाया है? मैं तो कई बार यहाँ पे आया हूँ, कई बार प्रशासन को ध्यान आकर्षित किया हूँ, और खासकर चूंकि हम लोग विपक्ष हम थे 5 साल, पांच साल विपक्ष हम थे, फिर भी समय आके मुद्रालय चेक करवाते थे, ऊपर जाके चेक करते थे क्या स्थिति है, देख रेख करते थे, पर अधिकारी को अवगत कराते थे। और आप जब, मैं आपको बता दें कि जब आप चैनल में लगातार चल रहे, अखबार में छपा भी है, फिर भी निगम के जिम्मेदार अधिकारी नहीं आना, इससे साफ साफ जाहिर है कि सरकार के छवि को नुकसान करना चाहता है। अब बीजेपी की सरकार आ गई है, क्या लगता है? अब सरकार, जनता को उम्मीद है किस भाजपा सरकार भी 6 महीने हुआ है, लगातार चुनाव कारण सरकार काम उतना तेजी से नहीं कर पाया है, पर सरकार आने के बाद उम्मीद जगह है कि हमारी टेक बस स्टैंड जो पहले था उस स्वरूप को फिर से चाहेंगे। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे नांदगांव के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मिलकर इस जो खंडहर हो चुका है हाईटेक बस स्टैंड फिर से जीवित करने के लिए पहल करेंगे, बातचीत चर्चा करेंगे। ये नया बस स्टैंड है, इसे संस्कारधानी कहा जाता है, लेकिन इस संस्कारधानी को शर्मसार कर चुके हैं निगम की टीम ने, क्योंकि सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। ये जो लोग हैं, कुछ लोग भैया, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं मीडिया प्रेस वाला हूँ, यहाँ आया आपको आज बता रहा हूँ मैं कि ये कितने सालों से यहाँ जो दो कर्मचारी रखे हुए थे, कर्मचारी रुके थे, उनको भी हटा दिया गया यहाँ से। जितनी गंदगी है एकदम फैली हुई है, रात में गुंडागर्दी हो रही है सर, मोबाइल जा रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं, लोगों की चोरी हो रही है, लोगों को चाकू मारा जा रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके पहले भी दे दिए गए एसपी साहब को, पर कोई किसी ने नहीं किया।
और इतनी गंदगी कर दी बस स्टॉप में कि बेचारे लोग जो आने वाले लड़कियां हैं, लड़के पढ़ने वाले बेटियां हैं, वो भी रुक नहीं सकते, इतनी गंदगी एकदम। साफ सफाई के लिए बोलो नगर निगम में, तुम कौन होते हो, आप कौन बोल रहे हो, कौन पत्रकार हो, कौन से पेपर के हो, इस टाइप से बात यहाँ की महापौर बोल रही है। दिग्विजय कॉलेज है और काफी दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं, बसों में ट्रेवल करके आते हैं, और जब यहाँ आते हैं देखते हैं तो उनको रुकने का भी मन नहीं होता। और इस बारे में मैं लड़कियों से पूछा, जानकारी लिया, आज कल में भी लिया, मैं पहले भी था 2 साल पहले, तो उन्होंने बोला कि सर यहाँ क्या करेंगे, कितनी गंदगी है बताइए, जब नगर निगम इतना खर्च कर रहा है, और यहाँ का जो मैं तो होता हूँ, यहाँ का जो कमिश्नर साहब है कोई काम का आदमी नहीं, गुप्ता हकीकत बोल रहा हूँ मैं अभी आप। तो ये लोगों का आक्रोश है, देख के दुख हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, आखिर इस शहर की स्थिति कैसे बद से बदहाल होती जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी है जो यहाँ आए हुए है। भैया, राजनांदगांव बस स्टैंड की ये हालत देख के क्या लगता है, आपके मन में क्या ख्याल आता है? भैया, हमारे मन में ख्याल तो यही आता है कि हम देखते हैं और इतना बड़ा राजनांदगांव जिला है जो कि धार्मिक क्षेत्र है, डोंगरगढ़ से लगा हुआ है, और हमारे दिग्विजय कॉलेज है, बड़े बड़े कॉलेज है, दिग्विजय स्टेडियम है, जो कि वर्तमान स्थिति में कहा जाए तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन और सबसे बड़ा सिटी राजनांदगांव है, जो गौरव स्थल है, धर्म स्थल है और हृदय स्थल है, जो कि हम गंदगी को देखते हुए हम ऐसा महसूस लगता है कि पैर रखने का भी जगह नहीं है। तो हम तो शासन से, प्रशासन से, महापौर जी से निवेदन करते हैं कि इतनी बड़ी करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की लागत से जो बना हुआ है स्मारक बना हुआ है न्यू स्टैंड, उनको तो साफ सफाई की नज़र रखना चाहिए भाई। इतना धन्यवाद। ऐसा कोई बस स्टैंड देखे हो जिसमें इतनी गंदगी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, जो मैं तो प्रॉपर यहीं का हूँ, जो कि हमेशा राजनांदगांव आना जाना लगा रहता है। मैं खैर डोंगरगढ़ क्षेत्र का निवासी हूँ, मैं जो हमेशा राजनांदगांव आना जाना लगा रहता है, मैं देखता हूँ कि यहाँ का जो माहौल है, माहौल तो अच्छा है, लेकिन जो बस स्टैंड है वहाँ की जो दुर्गति देखता हूँ तो मुझे घिन आती है। जो नया बस स्टैंड बना है वो अभी वर्तमान में 2 जगह बस स्टैंड संचालित है, जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ से भी अधिकांश कई बसें आवागमन करती हैं। बस ऑपरेटरों से बात हुई है कि आप लोग नए बस स्टैंड में शिफ्ट होइए, और उनसे सहमति बनाई जा रही है कि जल्द से जल्द वो नए बस स्टैंड में शिफ्ट हो जाएँ, और वहाँ पर जो नया बस स्टैंड है, पुराना बसें दोनों जगह पर निगम सफाई कराती है, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है वहाँ पर, इसलिए गंदगी भी बहुत होती है, तो नियमित रूप से हम सफाई कराते हैं उसमें।